유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. Hey guys, welcome back to another vlog. जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, आलू का भुजिया और रोटी खाना है। अरे ये तो बात की बात है ना, मैं थंबनेल के बारे में बात कर रहा हूँ। थंबनेल में हमने ये बताया है 12 आवर विदाउट मॉम। एक्चुअली क्या है, मम्मी को कुछ किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, तो हम भाई बहन सब मिल करके 12 घंटे ये करने के बाद कोई उपयोग नहीं, ये खा के सो जाएंगे बस। म्यूजिक ये गलत बात है। मैंने जो है अपने नाश्ते का इंतजाम करवा लिया है, तो मैं अपने लिए जो है मैगी अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो कि मैंने ही कर लाया था। ये लाया इसने था, पर इंटेंशन तो मेरा अच्छा था कि मैंने उससे मंगाया था। भाई पैसे तक नहीं मिले इसके अभी। अबे चल ना, पैसे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। अब ये जो दो तीन बहने हैं मेरी, ये लोग ही खाना बनाएंगे, और अगर अच्छा बना दी तो बहुत अच्छा, नहीं तो मम्मी आई मिस यू प्लीज जल्दी आ जाइए, हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है ढंग का। तो अभी खाने का सबसे पहला ऑप्शन आया है आलू का भुजिया रोटी, पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिकॉज आई डोंट लाइक पोटैटोस सीरियसली। ये एक टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, जब मैं करीब 12 या 13 साल का हुआ, क्योंकि उस समय मुझे काफी ज्यादा समोसे पसंद थे, पर फिर धीरे 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 मेरा पोटैटो की तरफ से पूरी तरह से इंटेंशन खत्म हो गया। मेरी इच्छा आज ये है कि मैं आज फास्ट रहूं, बट देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छा खाने को मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम भी आज एक दिन फास्ट रह करके दिखाएंगे। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो देखो इशू ये थी कि जब भी आप घर पे रहते हो, और सब लोग का मतलब मम्मी है, सिस्टर है, जो भी जितने भी घर में लोग रहते हैं, अगर सब है तो लाइट भी आपके घर में रहेगी। बट अगर सोच लो कि आज घर में कोई नहीं है, मम्मी नहीं है, तो तेज साउंड करके फुल साउंड लगा के अपना फेवरेट सॉन्ग सुनो, तो भाई साहब लाइट ही नहीं है और काफी देर से नहीं है। बिजली विभाग आपसे विनम्र अनुरोध है हमारी कि हमारे क्षेत्र में जिस भी कारण से सप्लाई को बाधित किया गया हो, उसे जल्द ही दुरुस्त करके हमारे यहाँ सप्लाई दे दी जाए, नहीं तो आज का हमारा वीकेंड जो है हमारा बेड़े बन जाएगा। प्लीज में काम करने वाले खुद बिजली से कहते हैं ब्रावो, गजब बेइज्जती है। बिजली विभाग में भी काम करने वाले इंसान ही होते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या हम खुद तार और वायर लेकर सड़क पे निकल जाएं, जुड़ने लगे? ढीला है यार इसका दिमाग। लाइफ में एक बार बहुत गांठ बांध लो अपनी जिंदगी में कि जो फरमाइश मम्मी पूरी कर सकती है, वो फरमाइश दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता है। और आखिर में बनेगा हमारे घर में आलू की सब्जी और रोटी, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, पर मम्मी आज होती ना तो वो बनाती जो मुझे पसंद है। अभी नीचे से ऑर्डर आ गया कि इनका एक लोग का खाना ही नहीं बनेगा। बहुत पंगा था, मम्मी होती तो डांट डपट के डरा करके सबको खाना खिला सकती थी, पर मैं कैसे मेरे मैं अपने कंधों पे कितनी प्रॉब्लम को सह रहा हूँ। हम लोग मम्मी के बिना 12 घंटे कैसे रहेंगे? अभी बज रहे हैं 8:30 और मम्मी को गए हुए होंगे मैक्सिमम 25 मिनट्स ऑनली। ये 25 मिनट मुझे 25 साल के बराबर लग रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी, बट हम हैंडल करके दिखाएंगे। यस, वी कैन डू करके दिखाएंगे। मरता क्या ना करता, आज जो भी है आप ही लोग के हाथों में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ अच्छा खिलाया नहीं है। बहुत कम बार अच्छा तुम लोग बना के खिलाई हो। जितने अच्छे आइटम हम ही लोग खिलाते हैं सारे, ठीक है? कोई शब्द नहीं के पास, बेइज्जती हो जाती है सब मेरी। खत्म, बाय बाय, टाटा। हालांकि मुझे 11 बजे खाना मिल गया, और भाई साहब मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना तगड़ा इसमें ऑयल है ना, मेरी हालत खराब होने वाली है। मैं टेस्ट करके बताऊंगा इसका टेस्ट है कैसा। वैसे किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए, बट
अच्छा है पर मजा नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा परेशान तो मैं मच्छरों से हो गया हूँ। मतलब कहीं पर भी अगर खड़े हो तो एक साथ 20-30 मच्छर हमला कर देते हैं, जबकि समझ नहीं आता ये सब कुछ अलार्म लगा दो, जो भी लगाना सब लगा के चेक कर चुका हूँ, बट नहीं जा रहा है भाई। पता नहीं इतना मच्छर आ कहाँ से रहा है, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। हमारी जो मैगी है ना भाई साहब, इतनी लाजवाब बनी है कि इसका स्मेल आए है क्या तगड़ा आ रहा है। बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, तब तो ऐसे ही ऐसे अपने भाई। द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे इज कि जैसे ही सोकर के उठा मम्मी आ गई, तो जो भी मुझे तकलीफ थी मेरी सॉल्व हो गई क्योंकि मम्मी आ गई है घर। अब ये लोग खाना बनाए ना बनाए आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि मम्मी आ गई यार। मतलब ठीक है यार, ये लोग खाना बना लेते हैं, सही बना लेते हैं, पर एक जो टेस्ट होता है ना माँ के हाथ का, वो सिर्फ माँ के हाथ में ही मिलता है। तो मानो या ना मानो तो ये बात सच है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। प्राइम से हैप्पी बर्थडे। और आज का हमारा टारगेट शाम के 7 बजे तक वो कम्प्लीट हो गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय। We'll be right back.